हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे आज के इस नए ब्लॉग में। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो भाई आज मेरा जो पूरा दिन है ना वो सिर्फ और सिर्फ पैकिंग में जाने वाला है, क्योंकि आज से हमारा एक जो छोटा सा ट्रिप स्टार्ट हो रहा है जो कि राजस्थान का है। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ अगले 5 दिनों तक राजस्थानी कल्चर, और जहां जहां भी हम घूमेंगे वहां मैं आपको घुमाने वाली हूँ। तो भाई फिलहाल अभी आज नेहा आएगा और दाशु आएंगे सिकंदराबाद से, बाकी मैं, केशव, लवी और उसके पापा, हम चारों यहाँ से जाएंगे और 2 बच्चे वहां से आएंगे, तो 6 लोग हम टोटल जाने वाले हैं। तो फिलहाल मैं पैकिंग की तैयारियां करती हूँ, क्योंकि पैकिंग 4 बच्चों की हमारी, और नेहल दाशु तो पैकिंग करके लाएंगे अपने, बाकी हम चारों के कपड़े मुझे रखने हैं, छोटी छोटी जितने भी सामान है ना वो सारे रखने हैं। तो मैं पूरा दिन ऐसे कंफ्यूज रहती हूँ कि मैंने क्या रख लिया और क्या नहीं रखा है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ वही सारी चीजें। सो भाई दाशु और नेहल दोनों आ चुके हैं सिकंदराबाद से अपना बैग पैक करके, और सबसे अच्छी बात यही है कि ये भी आ गया स्कूल से, ये भी आया है, कितना अच्छा मुंह बना रखा है। आते ही के साथ लैपटॉप लेके बैठ गया मेरा, ये मुझे लेके जाना है, बैटरी इसकी डाउन नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो नेहल तुम्हारी तो पैकिंग पूरी है, बस हमें ही हमारी बची हुई है अभी, और मुझे पता नहीं है मुझे क्या क्या रखना है। हम लोग पूरी पैकिंग करके आए और यहाँ आके तो देखा अच्छा पैकिंग नहीं अभी। हाँ हम ऐसी लेजी से हैं। कोको 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 आप घूमने चलोगे? मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं भी नहीं जाऊंगा मैं तो, मुझे कोई लेके नहीं जाता है। तो अभी बारी है मेरी पैकिंग की, अब मैं नीचे जाके पैकिंग करती हूँ। ज्यादा बैग नहीं ले जाएंगे, 2 ही बैग लेके चलेंगे, है ना? 2 ही? हाँ, 2 बड़े बैग और 1 ये छोटा वाला बैग, और 1 छोटा वाला बैग मैं 1 बैग ठीक करने के लिए देख के आई थी और मैं उसे भूल आई वहीं पे। कोई नहीं, अभी मैं और लवी का सामान, मम्मी रहने, अभी ऐसा होगा कि ना छोटा छोटा सामान बचता रहेगा और हमें याद आता रहेगा। मैं भी हुआ ही मार्केट, बुआ जी भी हुआ ही, अभी हमें दोबारा भी जाना है और अभी हम और भूलेंगे, और मैं तो बिल्कुल जो एंड टाइम होगा ना उस पर ये बोलूंगी कि हाँ ये भी तो चीज रखनी थी, ये भी तो चीज रखनी थी। मैं मेडिकल स्टोर से आई हूँ क्या, एक क्रोसिन लेके और एक हेडेक की लेके, मैंने अपनी माई मुझे भी चाहिए, मैंने ले लिया है और मैंने बैग में रख दिया। वॉमिटिंग की बट कौन ट्रेन में वॉमिटिंग करता है? कोई नहीं करता ऐसे, तुम चुपचाप करता है। तो चलो नीचे चलते हैं और पैकिंग करते हैं, नेहल कोई सामान छूट ना जाए। रख लिया सारा? तो भाई पैकिंग हमारी हो चुकी है, 1 बैग ये रहा हमारा और 1 बैग हमारा ये रहा, हमने 2 ही बैग रेडी किए हैं बस, इतने बड़े बड़े। और तो 4 लोगों के कपड़े हैं और इसमें सिर्फ 2 लोग। हाँ, इस ये वाला जो बैग है ना इसमें नेहल और लवी इन दोनों के कपड़े हैं, और ये जो बड़ा बैग है ना इसमें मेरे, केशव के, दाशु के और केशव के पापा के, हम 4 लोगों के अकेले बैग में, यानी सबसे कम कपड़े हमारे रखे गए हैं, है ना? अब पता चला लड़कियों को ज्यादा कपड़ों की जरूरत होती है, इतना बड़ा बैग तुमने अपने लिए तैयार किया है। तो लड़की हो। लेकिन फिर भी मेरे सबसे कम है, पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे सबसे कम होंगे, केशव के भी मुझसे ज्यादा है। तो अभी 4 बज चुके हैं, बैग पैक हो चुके, अब 1-1 घंटे रेस्ट करेंगे, उसके बाद अपने खाने की तैयारी करेंगे। जो जैसलमेर का ट्रिप है वो हमारा बाय ट्रेन है, रात को 9:15 बजे की हमारी ट्रेन है जो कि पुरानी दिल्ली से है, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से। तो हम यहाँ से 7 बजे के आसपास निकल जाएंगे, तब तक खाना पीना करके तैयार। वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। ओहो दिखाओ भाई, बता दो सब, नेहल का चश्मा कैसा है? अच्छा लग रहा है ना? मैं एक बार पहन के देखूं? बिल्कुल, मेरा 3 साल से 1 ही चल रहा है जो कि मैं कभी लेती नहीं हूँ, और भी लाई हूँ पर वो पता है बड़ा डेंजरस है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना? हाँ, एक तो ना इसकी मैट फिनिश है वो अच्छी है, लवी का मुझे बहुत अच्छा लगा था, लवी के पास है जो। रेडी दाशु? और कौन कौन तैयार है भाई? केशव तू भी रेडी है? ओके। तो अभी 7:30 बज चुके हैं, हम सब तैयार हैं, खाना पैक हो गया है हमारा, अब हम बस ओला बुक करके चलते हैं रेलवे स्टेशन, क्योंकि 9:20 की ट्रेन है और हमें पहुंचने में लग जाएगा। कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा? आधा घंटा हमें पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचने में लगेगा। तो बैग सारे बाहर निकालते हैं, बेचारे बच्चे गाड़ी का वेट करते हुए इतने सारे बैग लेके। अरे भाई रोको ओला वाले को। एक्साइटेड? यस। बुआ जी वाले। चलो बेटा चलो चलो, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं हम, और बजे हैं 8:30।
हो गया, बस पूछताछ हो गई। किधर जाना है? केशव रेलवे स्टेशन पे जाके फील आ रही है ना, अलग सा लग रहा है, अच्छा सा लग रहा है, बढ़िया सा लग रहा है। तो अभी हमें जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। एक घंटा बैठे रहेंगे? नहीं, 9:20 पे है ना, हम जरा सी देर लगेगी, मतलब 9 बजे के आसपास ही पहुंचेंगे। मंडोर है ट्रेन का नाम, नंबर तो मुझे पता नहीं। बैग तो इन्होंने संभाल रखे हैं। हमारी जोधपुर ट्रेन यहाँ पे खड़ी हुई है मंडोर, हमें जाना है B5 में, और ये है B5, यही से एंट्री कर। चलो चलो, बाय बाय, जोधपुर में मिलूंगी मैं। भाई ये गए हम ट्रेन में, ओके। ओ मम्मी यार, हाँ ये एंट्री हो गई है। किशोर जाओ जाओ, चप्पल नहीं है, चप्पल किसी की लवी के, लवी के ले जा, लवी के ले जा, लवी के ले जा। मुझे उम्मीद थी केशव आते साथ तुरंत ऊपर जाएगा। दाश इसको पहुंचाना ऊपर। पर केशव को ऊपर नहीं सुलाना है, नहीं ये से गिरने का डर तो नहीं है, इसको बाद में लगा लेना ना, अभी रहने दो, अभी रहने दो इसको। तो खाना कितनी देर में खाना बच्चों? अभी ट्रेन चलने लगी, जब ट्रेन चलने लगेगी। ओके, केशव को तो बहुत देर से लगेगी, मेरे को तो अभी खिला दो, अभी खिला दो। ये मतलब पता चल गया, और ये हमारी ट्रेन चल रही है। तो भाई खाना निकल गया है हमारा, और बच्चों ने कर दिया खाना शुरू। केशव को तो बहुत देर से भूख लग रही थी। चलो भाई, पूरी और आलू सब्जी। नील अपना ले लिया तूने? ओके, दाशु आराम से बैठा है, तू ऐसे लग रहा है, पता नहीं कहाँ बैठ गया हो। अब तुम सो सकते हो, सो जाओ। और क्या, मीठे में कैडबरी हो जाए। फिलहाल बच्चों ने अपना गेम खेलना शुरू कर दिया है, थोड़ी देर खेलेंगे उसके बाद फिर सो जाएंगे। ठंड लग रही है तुम दोनों को? हाँ। है ना, ठंडा हो गया ना अब तो काफी। तो भाई बच्चे अपनी अपनी सीट पे पहुंच चुके हैं, ब्लैंकेट ओढ़ के, और हम भी बस थोड़ी बहुत देर बाद सोएंगे, थोड़ी सी एडिट करूंगे उसके बाद सो जाऊंगे। तो मिलेंगे कल सुबह जोधपुर में। गुड मॉर्निंग सबको। भाई सुबह के 6:30 हुए हैं, अभी हम सब उठ चुके, अभी चाय आने वाली है, फिर चाय पियेंगे। 6:30 बज रहे हैं, ये है हमारा टी टाइम। किशु जाओ बेटा। तो यहाँ से जो जोधपुर की दूरी दिखा रहा है ना, वो आधा घंटे का है, करीब 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से जोधपुर। चलो भाई, तो भाई जोधपुर आ गया स्टेशन, अब हम चले नीचे। आ जाओ, वेरी गुड, पहुंच गए भाई हम जोधपुर। वेलकम टू जोधपुर। भाई हम पहुंच चुके हैं जोधपुर, और अभी हम यहाँ से सीधे अपने होटल जाते हैं, वहाँ अपना नाश्ता वास्ता करके फ्रेश होके फिर मिलते हैं आपसे। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप हमारा ब्लॉग आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।